बॉलीवुड पर भड़के शुभक्त वीर महान फिल्मों के बहिष्कार की मांग करके ऐसा सवाल पूछ लिया कि सुनकर आमिर खान की भी नींद उड़ गई। माथे पर त्रिपुंड, भुजाओं पर राम का नाम लिखा है, भारत का ये शुभक्त बन चुका है हिंदुस्तान की शान। वीर महान ने पहले WWE की रिंग पर दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया, अब भारत का मजाक बनाने वालों पर ऐसा हमला किया है कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। इस शिवभक्त ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भारत में सुनामी आ गई है और आमिर खान के ऊपर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वीर महान WWE के रेसलर है, दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, लेकिन भारत के अंदर ही कुछ फिल्म स्टार मजाक उड़ाते हैं। इस वक्त देश में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। जब आमिर खान को लगा कि उनकी फिल्म कहीं फ्लॉप ना हो जाए तो खुद को सच्चा देशभक्त बता दिया, लेकिन देश की भावनाओं के साथ खेलने वालों पर क्या होना चाहिए, पहली बार वीर महान ने बताया है और भारत के लोगों से एक बहुत बड़ी अपील कर दी है। वीर महान ने कहा है कि खुलेआम हमारे देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप सबको ये सब करने का किसने हक दिया है? लोगों की भावनाओं और आस्था का मजाक क्यों उड़ाया जाता है? वीर महान ने कहा कि जो देश पूरे विश्व में अपनी सांस्कृतिक सभ्यता और इतिहास के लिए जाना जाता है, उसी देश की संस्कृति और सभ्यता का मजाक उड़ा रहे हो। वीर महान ने कहा कि ऐसी फिल्मों का बायकॉट करें क्योंकि देश और धर्म सर्वोपरि है। दावा किया जा रहा है कि वीर महान ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर यह बयान दिया है। अब देश में वीर महान के समर्थन में लोग उतर आए हैं और बायकॉट की मांग का भी समर्थन कर रहे हैं। वीर महान उर्फ रिंकू राजपूत यूपी के छोटे से गांव गोपीगंज के रहने वाले हैं, लेकिन आज रेसलिंग की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि हमेशा ये सन्यासी के भेष में ही WWE की रिंग में उतरते हैं। इस सन्यासी को देखकर दुनिया भर के रेसलर भी डर जाते हैं। एक बार वीर महान से पूछा गया था कि आखिर आप भारत से दूर रहकर भी सन्यासी जैसे क्यों रहते हैं? इसके जवाब में आपको पता है इन्होंने क्या कहा था? वीर महान ने कहा था कि मेरा सपना रहा है कि मैं जहां भी जाऊं वहां अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को रिप्रेजेंट करूं। जो लोग भारत में रहकर कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं हैं और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें इस शिवभक्त से सीखना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है। हम बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है और न ही फिल्म अभिनेताओं के खिलाफ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से हिंदू धर्म और सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, लोगों की इस तरह से भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। वीर महान उर्फ रिंकू राजपूत भारत से दूर रहकर सन्यासी की तरह रहते हैं और भारत की शान है, लेकिन देश के अंदर ही रहकर कुछ लोग अपने ही देश का मजाक उड़ाते हैं। वीर महान ने कहा कि धर्म और देश के खिलाफ बनी फिल्मों और वेब सीरीज का बहिष्कार करें। क्या आप भी वीर महान की बातों से सहमत हैं या फिर नहीं? न्यू टाइम्स के लिए रिपोर्ट।